Psychological thriller based in a period time and black and white में आधी फिल्म शूट की गई है और दो बहनों की rivalry की कहानी है जो मैं और मनीषा प्ले कर रहे हैं और मजा आया ये फिल्म करके बहुत because बिल्कुल अलग थी और रोज मौका नहीं मिलता एक black and white फिल्म करने का और बहुत खूबसूरत गाने थे so मेरा एक बहुत शौक था कि black and white का कुछ करूँ अगर उस time पे आते तो ये करते वो करते so वो एक शौक पूरा हो गया फिल्म से मैम जानते हैं कि मतलब आम जिंदगी में कितना स्ट्रेस होता है लोगों पे तो वो जब भी थिएटर जाते हैं उनके उनके लिए एक्सपेक्टेशन ये होता है कि थोड़ा सा ह्यूमर हो फिल्म में यू नो थोड़ा सा अब तो बिल्कुल वक्त बदल गया है अब आप कहाँ कोई ह्यूमरस फिल्म तो आपने देखी नहीं होगी जो चली है सब बिल्कुल अलग अलग जॉनर की फिल्में हैं चाहे तनु एज मनु हो चाहे पीकू हो चाहे अभी जो आई है रिसेंट बजरंगी भाईजान हो ये कॉमेडीज नहीं है इनका अपनी एक खूबसूरत अलग से कहानी है और ऑडियंस आई थिंक इतनी तो कभी भी नहीं ओपन हुई जितनी अब हुई है कि नया सिनेमा अच्छा सिनेमा देखने के लिए जो बहुत आतुर है आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल रोल आई एम प्लेइंग द सेंट्रल रोल इन द फिल्म और कहानी उस पर आधारित है और सो इट्स ग्रेट टू डू दैट विद एंड लुक गुड एंड वर्क विद सम ऑसम को एक्टर्स चौक इंडस्ट्री के अलावा मेरे पास नितिन कक्कड़ की फिल्म है राम सिंह चार्ली और उसके बाद अभी शाम बेनेगल की शूटिंग कर रहे हैं फिल्म का प्लॉट तो हम बता नहीं सकते क्योंकि जब फिल्म का नाम चेहरे है तो चेहरे बदल रहे हैं कौन सा चेहरा सच्चा है कौन सा चेहरा झूठा है किस चेहरे के पीछे बेईमानी छुपी है खलनायकी छुपी है ये सारी चीजें उन चेहरों के पीछे है लेकिन मेरा जो रोल है वो ना तो खलनायक का है ना एक स्ट्रेट पॉजिटिव रोल है मेरे लिए बड़ा अनयूजुअल रोल है कि मैं इस फिल्म में एक मनीषा कोइराला और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये प्यार पहली नजर में एक दूसरे को देखने से हो जाता है ऐसा रोल तो कभी मैंने किया नहीं है फिल्म का जब ट्रायल हुआ था पहला ट्रायल हुआ था तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए मैं जा नहीं सका देखने के लिए कि गुलशन ग्रोवर यू आर वेरी अनयूजुअल तो मुझे हैरानी के साथ खुशी हुई क्योंकि मैंने पॉजिटिव रोल किए हैं ज्यादातर नेगेटिव रोल किए हैं लेकिन एक लवर का रोल ऑब्सेस लवर रोमांटिक सीन्स ये नहीं किया वो इस फिल्म में मेरा और मनीषा कोइराला का जो फिल्म में दिखाते हैं कि किस प्रकार हम एक दूसरे से बहुत बरसों से प्यार करते हैं जी 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 तो आपको ये लगता है कि बैटमैन का जो आपका इमेज है वो ज्यादा ओवर पावर्स करता है दर्शकों को कोई बुरी बात नहीं है मैंने बैटमैन का ब्रांड खुद बनाया और मैं खुद क्या कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार हूं और उसके साथ साथ जब मैं पॉजिटिव रोल निभाता हूं या अब ये जैसे मैंने रोमांटिक रोल निभाया तो ध्यान ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि यार ये खलनायक ऐसा रोल कर रहे हैं और लोगों को और ज्यादा देखने में आनंद आता है और सिर्फ ये है कि जब वो रोल मिलने के समय रोल में कास्ट होने के समय क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की धारणा ऐसी होती है कंजर्वेटिव ओपिनियन होती है कि गुलशन ग्रोवर जी इस भूमिका में शायद अच्छे नहीं लगेंगे भैया हाँ फॉर बोल वेल द प्लॉट आई कांट टेल यू इट्स अ थ्रिलर एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है फिल्म में एंड एक ऐसी कहानी है इट्स अबाउट चेहरे बदलते हुए चेहरे थ्री वुमेन हम हमेशा मजाक करते थे तीन देवियां हैं हमारी फिल्म में एंड ये एक पीरियड में सेट है ये कहानी और कैसे एक ब्लैक एंड वाइट एरा से जब फिल्में बनती थी तो क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस का किरदार निभा रही हूँ मनीषा जी इज प्लेइंग एन एक्ट्रेस दिव्या दत्ता प्लेज मनीषा जी सिस्टर एंड आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग थ्री वुमेन इन दिस फिल्म एंड बस हमारे कहानी जो इर्द गिर्द घूमती है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैकी श्रॉफ है गुलशन ग्रोवर जी हैं आर्य बब्बर है आई थिंक इट्स अ स्टोरी दैट विल बी लव्ड एंड द फैक्ट दैट इट इज सेट इन अ सर्टन पीरियड ये कहानी हमेशा फ्रेश रहती हैं और रहेंगी एंड आई एम श्योर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये एंटरटेन बहुत ज्यादा करेगी थैंक यू
inspiring this movie? Inspiration is ke murder mysteries and I love them. Main jab pad raha tha I shock pe maine bahut research kiya, bada sapil film mein dekhi, baad mein kitabe jo padhta tha main Agatha Christie aur Nico Marsh ko dekh ke, to wo drama jo element of psychological thriller tha mujhe bahut pasand tha aur abhi tak pasand hai aur main aur karunga. Aur jo actors ki lives ko dekhte hue, jo industry ko dekhte hue, apne paas lete hue samet kar, aur Nazira ji jo mujhe janta tha bahut mujhe pyar karti thi, mujhe apne main unko faafe bolta tha murmur ke na dekh murmur ke, to unke yahan bahut kahaniyan sunta tha main, usse inspire hoke maine ye kahani likhi. But wo unse jo baatein sunta tha wo baatein isme nahi hai, par isko dekh ke maine kaha ki unke us waqt ka andaaz kya tha, kya wo kya mahol tha, kya kis tarah se baatein ki jati thi, kya drama hota tha, kya shock the, kya pasandida andaaz the, usko pehlu mein laakar us sangeet ko. इसको मैंने इंग्लैंड में इसलिए रखा क्योंकि जो एक्टर दिखाते हैं जो यहाँ से पीरियड के जो साइलेंटर के बन नहीं सकी टॉकीज में तो चली जाती हैं दूर दूर सब कुछ छोड़ के, पर एक एक्टर के लिए कभी कैमरा बंद नहीं होता रोल करना, सारी जिंदगी रोल करता है कि जो भी कुछ करती है सोचती मैं दुनिया मुझे देख रही है. इस अंदाज को लेकर मैंने ये फिल्म बनाई, उसको थ्रिलर पर एलिमेंट दिया, साइकोलॉजिकल एलिमेंट दिया और एक पेश किया पर्दे पर जिससे हर इंसान मजा कर सके. It was something of the early era which inspired me. Because okay. I love the script. I mean, obviously, when I met Rohit, he gave me the script to read and I loved it. And because I like old music and the old era, so that's what inspired me to do it. And in the future also, will you produce this kind of movie? I won't hesitate. Okay, I would. Hesitate. Yes, I won't hesitate. What was the criteria for casting? Because they have actors of eminence, of standing stature, and Divya Dutta, तो आप जानते हैं क्या मशहूर performances करती हैं, variation for performances करती हैं. और जब मैं मनीषा को cast किया था तो मैंने कहा मनीषा की जो sister play कर रही है film में तो दिव्या ही कर सकती है, क्योंकि वो जो दोनों में एक नोक झोंक और look है, एक अंदाज है, जो खूबसूरती है, उस दोनों को पेश करके मैंने रखा है. Thank you. Rohit, when he brought the script to me, I read the script and I really liked it because I like the old era films and old era songs like Rafi Saab and people like them. So my mind, as soon as I read it, got onto that we should be doing this. That's what I thought, ke is subject ko pakad ke aage lena chahiye. Abhi sir, hamari team hai. We are all, everybody is promoting it. I mean, obviously we produced it and thanks to these guys, obviously they have taken it on and we're moving on with the film now. Yes, Yami ji hai, Vinod ji hai, and Talvi ji hai. And this is our team who have taken the film forward. ये तो एकदम रॉयल और क्लासिक लगती है मुझे, और जो ब्लैक एंड व्हाइट की जो थीम है कम्पेरेटिवली, तो उसकी हर एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है जो हम प्लान कर रहे हैं और प्रोसेस में है, तो हम आपको टाइम टू टाइम मार्केटिंग के बता देंगे. मल्टीप्लेक्स और सीजन बिल्कुल नॉन अवेलेबल. जी के बारे में भी पूरा जिक्र कर दिया जाए, कुछ चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, धीरे जा रहे हैं. आउटडोर प्रमोशन पे हमारा काफ़ी नज़र है इस चीज़ के ऊपर. फिल्म थोड़ा सा टाइम लिया इसने, लेकिन ये फिल्म इस तरीके की अगर आज से 50 साल बाद भी आप देखेंगे इस फिल्म को, तो ये बिल्कुल फ्रेश लुक देने वाली है. इस फिल्म में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप ये कहें कि इंसान की फितरत के बारे में बात करें, तो अगर बिल्कुल मैं दूसरे तरीके से आऊँ कि फिल्म हर एक को क्यों देखनी चाहिए, मैं इस पर बात करता हूँ. दो तरीके के हम जिंदगी जीते हैं, ठीक है. एक जिंदगी जो हमारा दिल करता है कि हम अच्छे से खुशी से एंजॉय करते हुए जिए, वो बचपन में शुरुआत करते हैं, उसी विश पर आगे बढ़ते हुए समय के साथ हमारी इमेज चेंज होती है, वो इमेज सोशल होती है. सोशली हमें समाज बांध के रखता है,
और नेचर हमें खुलेपन में जाने को कहता है. इन दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन है इस फिल्म में कहीं ना कहीं मिलेगा. जब इमेज बड़ी होती चली जाती है एज के साथ और पुरानी चीज़ें तंग करने लगती हैं तो क्या डिस्टर्बेंस होती है और उनको कैसे संभाला जाता है. बहुत बेहतरीन थीम है और ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है. आप कहीं पर कहीं से भी ले जाकर इस फिल्म को देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा. और इसको एक्टिंग और बाकी चीज़ों के लिए और डायरेक्टर साहब जो रोहित जी ने लाजवाब काम किया है. इसलिए इस फिल्म को हम धीरे धीरे शुरू करेंगे. ये फिल्म माउथ पब्लिसिटी पे जैसे उन्होंने भी कहा हम इसको अच्छे से फर्स्ट वीक के अंदर अच्छे से थिएटर देने वाले हैं जो कि एक रीजनेबल रहेगी. उसकी 100 से ऊपर तो हम खाली मल्टीप्लेक्स पर बुक करना चाह रहे हैं और इसको हम दिल्ली या फिर मुंबई में ही पहले करना चाहते हैं. वहां से हम इसका फीडबैक प्रॉपर चीज़ों का और लोगों को देखते हुए डेफिनेटली लोगों को पसंद आने वाली है तो पूरा हिंदुस्तान पड़ा पूरा वर्ल्ड पड़ा इसको रिलीज करने के लिए. तैयारी सब है स्टेप बाय स्टेप. See, from the time we have been shooting the film, because this film was shot here in UK, and I've had a lot of response from the youngsters when they heard the music. They loved the music. It's not that kind of music. It's both purani type of music, and it gives a modern look. And like it said, it's a classical film, and I'm sure the youngsters are going to like it. I'm sure because obviously they're modern actors, and it will hit their mind. फिल्म डेफिनेटली चलेगी, ऑडियंस को पसंद आएगी और शाहकाश का बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है. और फिल्म अपने आप में ही चैलेंजिंग है क्योंकि आज की इतनी सारी फिल्में इतनी शाहकाश के साथ है और ये एक गोल्डन मतलब ब्लैक एंड वाइट और कलर का मिक्सचर है जो लोग हमेशा देखना पसंद करते हैं. जैसे हम अगर पीछे जाएँ आज भी लोग पाकिजा को बहुत पसंद करते हैं. मुगले आजम आज भी डिमांड में है और उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं टेक्निकली कुछ कलर कुछ ये है और ये क्रिएट करिए. फिल्म बनी ही ब्लैक एंड वाइट और कलर में है तो ऑडियंस को ये बहुत अच्छा फील आ रहा है और स्टाफ सबकी फेवरेट है और उन्होंने जो परफॉर्मेंस की बहुत बेहतरीन है. 100% पसंद आया. लाइक शी सेड अबाउट द ओल्ड फिल्म्स लाइक मुगले आजम, इसकी वन मोर इंस्पिरेशन टू डू दिस फिल्म वाज द मुगले आजम फिल्म. आई मीन ऑब्वियसली आई एम रियल फैन ऑफ old films. That's one of the films which I don't think it can come back again, but we have tried to sort of go into that era. That's another reason I had to do that. इस फिल्म को आप इस अंदाज में समझ सकते हैं जैसे लास्ट में मुगले जाम या मदर इंडिया जैसी फिल्में हैं. उसी क्लास को अगर आज की टेक्नोलॉजी में बनाया जाता तो कैसे होता. आप ये समझ सकते हैं इसका जो नाम है द मॉडर्न क्लासिक सच में वैसा ही होने वाला है क्योंकि ये उतनी ही क्लासिकल फिल्म है लेकिन टेक्नोलॉजी आज की. ये आपको बेहतरीन तरीके से आपको इस फिल्म को देख के अंदाजा लगेगा. जरूर देखिए.